एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ टंक ओएसटी पे. आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग दिस राइट, मतलब ये वर्ड का प्रोनंसिएशन कैन बी डिफरेंट, बट जो मुझे लगा कि पॉसिबल है मैंने वो ट्राई किया है. सो लेट्स सी. सिंगर्स आर नईम अब्बास रूफी एंड दिस इज़ फ्रॉम ARY डिजिटल. So original link is in the top of the description. Make sure you check out the original video. And now let's begin. जी हाँ, मैं मौजूद हूँ उस यूनिवर्सिटी में जहाँ एक तलबा अमल फराज ने अपने प्रोफेसर मानो अहमद पर जिंसी हिरासगी का इल्जाम लगाया है. कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा, मैं हूं जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा. साइलेंस पर कंसल्टेशन के लिए बसरस का बुलाने की रूटीन की बात है. ये झूठ है, इल्जाम है मुझे. झूठ बोल रहे प्रोफेसर हुमायूं. डैड इज अ बैड मैन. तुम और हैदर बचपन से एक दूसरे के साथ बोलने हुए अभी तक. अभी तो कहानी शुरू हुई है. मेहरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं, ऊपर वाला सब जाने, तू बोले तो पी लूँ उसको जिस पानी में जहर घुले, देखी करी तू ख्याल रब्बा, मैं हूँ जीवा के मर जावा, मैं हूँ जीवा के मर जावा, मैं हूँ जीवा के मर जावा, मैं हूँ जीवा के मर जावा. देखो सच और झूठ की जंग बड़ी तबीज हो गई. बाबा आपका टच बैक टच है, डोंट टच मी. देखने वाला कोई नहीं है मंजर के पस मंजर को, साहिल से क्या जाने कोई इतने गहरे सागर को, रास्ता चलने वाले तो बस बस धूल उड़ाते रहते हैं, इश्क में उसकी हालत क्या है, जाने कौन मुसाफिर को, दिल नुए हुंदा मलाल रब्बा, मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा. That was very intense. You know there is a cut beech mein, kyunki it took me
a little time to settle down and to say anything क्योंकि इतना कुछ था ये OST में and when that little girl says कि पापा और पापा your touch is bad touch don't touch me वो that was very shattering मतलब I don't know I cannot exactly tell you कि मुझे कैसा feel हुआ but it was so intense and it was अभी मुझे नहीं पता if this word is there in Hindi or not एकदम भयंकर था वो मैं अपना feelings तो exactly words में नहीं डाल सकती but that was very intense and well OST से I could figure out a few things and this happens with me always जब भी मैं OST देखती हूँ या सुनती हूँ मैं कभी भी ना song पे उतना focus नहीं कर पाती हूँ जितना मेरा उधर हो रहे जो scenes है उस पर होता है the song was really nice and it was depicting the pain that they wanted to so song to tha hi bahut acha but other than that what I was seeing in the video is I think these people are in college or something and that man is maybe accused matlab wo chote bachche ke jo father hai I think he was accused of something related to bad touch like he has probably harassed his student in some way and maybe his student is Sana Javed and yeah I was so happy to see her ki my ekdam natural instinct or my natural reaction was high I was like kya bol rahi hu that was so stupid but I saw her after so many days and I know she got married also recently and my first reaction was high and that was so weird But yes, so this is what I thought OST dekhkar ki maybe something on this line is happening. But I don't know. Pura OST dekhne ke baad mujhe lagta hai ki this man is wrongly accused and he might not have done what he is accused of. Aur jo bhi unke saath ho raha tha, I think was not fair. मतलब मैंने एक एपिसोड नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा मुझे कुछ नहीं पता आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट आफ्टर सीइंग द वीडियो आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दैट वाज वेरी इररेलेवेंट भी बट मुझे ऐसा लगा एंड जस्ट टू फाइंड दैट आउट आई विल हैव टू सी दिस ऑल्सो मैं आजकल ड्रामास देख नहीं रही हूँ ज़्यादा क्योंकि क्या हो जाता है मैं स्पेशली जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं ना ड्रामास उन वो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ बिकॉज फिर उनके ना सारे एपिसोड्स रहते हैं लाइक मोस्टली हर ड्रामा के एवरेज पे 32-35 एपिसोड्स होते हैं एंड एवरी एपिसोड इज़ अराउंड 40 मिनट्स तो एक बार मैं देखने बैठ जाऊँ ना तो फिर आई बिंज वॉच इट और मैं पूरी पूरी रात जाग के सारे एपिसोड्स देखती हूँ और आप लोग को पता है कि आई डू दैट तो फिर होता क्या है ना मेरा काम होता है ना मेरी पढ़ाई होती है ना मेरी नींद होती है कुछ नहीं होता मैं पूरे दो दिन फ़ोन से या फिर लैपटॉप से चिपकी रहती हूँ एंड आई जस्ट कीप वॉचिंग एपिसोड आफ्टर एपिसोड एंड फिर मेरा सब रुक जाता है इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी बट नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ ड्रामास जो मुझे देखने हैं तो आई एम गोइंग टू गेट बैक टू इट एंड ये साल मैंने रेजोल्यूशन किया है कि आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कंट्रोल मेरा ये जो बिंज वॉचिंग का हैबिट है वो बिकॉज उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है तो यस बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वॉचिंग एंड लेट मी नो इफ यू गाइज वुड रेकमेंड मी टू वॉच ये वाला ड्रामा ऑल्सो मैंने इसका नाम अगर गलत लिया है तो करेक्ट मी अबाउट दैट इज वेल एंड लास्टली आई हैड टू मैंशन दिस कि ये ड्रामा में मुझे काफ़ी सारे फेमिलियर फेसेस दिखे सो दैट वाज वेरी नाइस मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब कोई फेमिलियर फेसेस मुझे देखते लाइक जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस है वो तो मुझे ऑब्वियसली पता है बिलाल अब्बास मुझे पता है बिकॉज ऑफ चीक एंड सना जावेद बिकॉज ऑफ खानी एंड रोमियो बशीर एंड अदरवाइज ऑल्सो शी इज़ अ वेरी पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सो ऑल्सो There was one more actress. She was in Cheek as well. वो गिर गई थी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है But I will put it somewhere here because I will Google it after the video. So yes, I am very excited about this cast as well. So मैं तो काफ़ी excited हूँ ये drama देखने के लिए बस मुझे आप लोग बताना कि would you recommend me to watch it? So
that's it. Original link is in the top of the description. Make sure you check out the original video and the original channel. And if you like my video, then make sure to subscribe to my channel. And I will see you next time. Take care. Bye-bye.